हम चैन से सो गए इसलिए वो ही सो गया। वो भारतीय फौजी ही था जो आज शहीद हो गया। आज शहीद अरविंद सिंह अमर रहे के नारों के बीच जम्मू में तैनात 17 गढ़वाल राइफल के जवान अरविंद सिंह को रुद्रप्रयाग मंदाकिनी के तट पर अंतिम विदाई दी गई। बर्मापट्टी के स्वाड़ा निवासी 39 वर्षीय अरविंद रावत 17 गढ़वाल राइफल में उधमपुर जम्मू में तैनात थे। वे साल 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार को ड्यूटी के दौरान अचानक स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने के कारण उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शनिवार को सेना के वाहन द्वारा पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव स्वाड़ा लाया गया। गांव में उनके 80 वर्षीय पिता कुंवर सिंह रावत और माँ रहती है। पिता लंबे समय से बीमार है और ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। तिरंगे में लिपटा शव जैसे ही घर पहुंचा माहौल गमगीन हो उठा। बूढ़ी आंखें नेती के खेल से स्तब्ध थी। शहीद की पत्नी राखी रावत और 8 वर्षीय बेटी आरोही फपकते हुए पिता की देह से लिपट गए। स्वाड़ा गांव के पांडव चौक में शहीद के अंतिम दर्शन करने के बाद परिजन शहीद के शव को पैतृक घाट पर ले गए। यहां पुष्प चक्र अर्पित करने के उपरांत सेना के जवानों द्वारा शहीद जवान को अंतिम सलामी देते हुए सेना द्वारा तिरंगे को शहीद के भाई हनुमंत सिंह और राजमोहन सिंह को सौंपा गया, जिसके बाद उनके द्वारा मुखाग्नि दी गई। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ बड़गा पट्टी समेत जिले के अन्य हिस्सों से भी लोग पहुँचे व श्रद्धा सुमन अर्पित की।